जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सईफा जब्बार और मेरे साथ हैं सुनील भाई। सुनील भाई अस्सलाम वालेकुम करिए। सलाम। तो आज सुनील भाई हमें किसी एक जगह पर लेके जा रहे हैं और उस जगह का मुझे नहीं पता, दैट इज़ अ सरप्राइज। सो वंस वी गेट देयर वी विल लेट यू गाइस नो एज वेल। और हम आज की जो हमारी राइड्स है वो क्या है? आज की राइड जो है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इसीलिए आज की जो जगह है वो हमने ज़्यादा दूर नहीं सेलेक्ट की, बिकॉज अभी हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये ना कि हम दोनों सड़क के बीच में ही रुके हो, तो अभी देखते हैं, आपको सरप्राइज दिखाते हैं। वैसे बाइक राइड्स हमें सैटरडेज को करनी चाहिए। सैटरडे को क्या होगा? सैटरडेज को लाहौर ही सोए होते हैं तो बिल्कुल ही कोई नहीं होएगा सुबह आज से। भी अभी तो सोए हुए हैं, आपस की बात है जब हम आए हैं। माशाल्लाह बड़े उम्र की खवातीन भी ज़्यादा चला रही हैं, अच्छी बात है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डिपेंडेंसी ख़त्म होती है और बाइक से ज़्यादा संभव पता नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि स्कूटी जो है या स्कूटर जो है ये खवातीन के लिए है। बाइक पे अभी भी लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। गाड़ियाँ जेंडर स्पेसिफिक इन्होंने क्यों कर दी हैं? हम गाड़ियों के लिए जब नहीं, बट इन पाकिस्तान ऑल्सो वी से कि छोटी गाड़ी घर की औरतों को ले दो बिकॉज चलाना आसान है। छोटी के अलावा कई वैसे गाड़ियाँ भी हैं, कई फ़ोन भी हैं जो कि खवातीन स्पेसिफिक होते हैं। रेड कलर की कार फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम होता है, ये खवातीन की है। ये भी लोग कहते हैं ये तो लेडीज़ वाला क्यों चला रहे हो। हाँ। हालांकि आई डोंट थिंक ये लेडीज़ है कहीं से भी। मैंने अभी मेरे वाले का तो हर कलर भी ज़्यादा कूल है। वैसे इसकी आपस की बात है, स्पीड भी इतनी कम नहीं है। मेरी 50 मैक्स पे गई है। आपकी स्पीड कम हो गई थी एकदम। हाँ 50। अच्छा। आप ऐसे चला रहे हैं, मैं थोड़ी हैवी। मैं वैसे कह रहा हूँ इसकी जनरली स्पीड, अगर आपने शहर में कम्यूट करना हो ना। हाँ। और रश बहुत ज़्यादा होता है तो कई जगहों पे इट्स वेरी हैंडी। स्कूटर पे आप निकल जाते हैं, फिर ये सड़कें बंद हुई हुई हैं तो आप गलियों में से निकल जाते हैं, तो उसके बड़े बेनिफिट हैं। गुलबर्ग से यहाँ DHA आए हैं आप? गुलबर्ग से आने में कितनी देर लगती है? हाँ देर कितनी लगती है और आए हैं कितनी दफ़ा आए हैं? गुलबर्ग से आप समझ लें डिफेंस आने में 10 से 15 मिनट, अगर आगे सुई के एस या इधर फेज 5 जाना तो ऐड 5-10 मोर मिनट्स। दिस इज माय फर्स्ट टाइम आउटसाइड अस्करी एक्चुअली। मैंने एक दिन में 75 किलोमीटर भी किया। आपने ये किए? हाँ। मतलब फुल बैटरी जो थी इसकी चार्ज वाली। यहां से गुलबर्ग से मैं आया स्टेट लाइफ से गया मॉल टाउन, मॉल टाउन से वापस आया डिफेंस से फिर गया गुलबर्ग, तो वो पूरा मैंने एक दिन में किया था। सो इट डज 80 किलोमीटर्स राउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज वाला प्लान जो था ना वो किया था। भाई आपको ये नहीं लगता कि इसका चार्जिंग टाइम ज़्यादा है? चार्जिंग टाइम ज़्यादा है, वो मैंने जो इनका रिव्यू भी किया था, मैंने उनको ये सजेशन दिया है। और मतलब सारी इलेक्ट्रिक जितनी मशीन है, गाड़ी हो या बाइक हो, दो ही चीज़ों के लिए आगे जुस्तजू है, एक तो इनका चार्जिंग टाइम कम किया जाए, दूसरा रेंज बढ़ाई जाए। यहाँ पे मुझे जो मसला उस दिन हुआ है और रात को भी जो मैं भूल गई थी और मैंने कहा बे यार अगर मुझे पता होता कि 2 घंटे में हो जाएगी चार्ज तो आई वुड हैव यू नो पुट इट जाने से 2 घंटा पहले। हाँ घंटा 2 घंटा का हो ना, घंटा भी हो तो बता करके थोड़ा सा कर ले। हाँ। मुझे भी जब ये आई थी तो मैं एक दिन दोस्त के घर गया, मैंने चार्जर साथ रखा। हाँ। मैंने कहा चलो अगले की मुफ्त बिजली पीते हैं और मैंने लगा दिया। जब मैं वहाँ से निकला तो डॉट एक ही था, मैंने कहा ये क्या हुआ है। सो देन आई रियलाइज कि इसका चार्जिंग टाइम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। देखिए ना सिंपल सी बात है, 3 चीज़ें हैं, एक तो बैटरी साइज, तीसरा एफिशिएंसी के वो कितनी जल्दी चार्ज होती है। इसके अंदर जो है लेड एसिड बैटरी समझ लें, ग्रेफाइन एसिड बैटरी है, अगर इसमें लिथियम आयन होती तो फिर तो अनी डल जानी थी ना, फिर तो वो और ही स्पीड में जाना था। इसके साथ अगर एक ऐप हो जो कि बता रही हो, ये बहुत बड़ी एक मेरी विशफुल थिंकिंग है कि वो आपको बता रही हो कि आपके स्कूटर की चार्जिंग स्टेट क्या है। सो ये बाइक का फायदा है, अगर हम गाड़ी पे होते हैं ना इधर तो इन गलियों में आप फंसे होते हैं, वो बाइक वाला देखे कहाँ कहाँ से निकल जाएगा। स्कूटर या मोटरसाइकिल पे आप वो गली देख लेते जो आपने वैसे नहीं देखी होती। भजन खुशी चलेगा। तो पहले बारी ब्रिज पे बंदे को लगता है चढ़ना बंद हो जाएगी, लेकिन चलती है सही। अच्छा चीटिंग हो रही है, तीसरा गियर चल रहा है, मैं उसमें से परेशान हूँ, मैं दूसरे में देखो आगे हूँ। ये मैंने एरर निकाला था कि इसका ये मीटर खराब है, मैं 35 पे आप 50 पे भी हैं तो भी सेम प्राइस, तो भी स्पीड सेम है राइट। कल एक मोटरसाइकिल वाला आया मेरे पास, बिल्कुल मेरे अंदर आके मुझे था कि यार थोड़ा पीछे साइड पे हो जा, फाइनल इलेक्ट्रिक है, रजिस्टर नहीं कराई, कितना चल दी है। अच्छा उसको कहते कहते वो मेरे अंदर ही, मैंने कहा भाई थोड़ा दूर रह के पूछ ले या रुक के पूछ ले। एक्सट्रीम राइट, गाड़ियों की लेन है ये सुनील भाई। अब लेफ्ट पे आ जाओ, अब लेफ्ट वाली साइड पे आ जाए। सुनील भाई पीछे रह गए, अंडरपासेस आर सो गुड सुनील भाई। सो आज हमने डिसाइड ये किया कि मॉडल टाउन में ना चनों की जगह गोगा। ओ आई हर्ड, लेकिन मैं गई नहीं हुई कभी। एक अंग्रेजों ने हर्ड भी जरूर किया होता है। तो यहाँ पे जो है
वो गोगे के चने हैं। अच्छा, जो हमारे बाली में बहुत शौक से खाते हैं। ओके, वैसे बर्गर पिज्जा खाने वालों को चने पसंद नहीं, नहीं आते। मैं यार आप जाने दे, पिछली निहारी की वीडियो में आप मुझे ये बात नहीं कर सकते। निहारी वाले दिन तो मेरी तबीयत खराब थी। कोई तबीयत खराब नहीं थी, निहारी के लिए सबकी तबीयत ठीक हो जाती है, वो आपकी। कम ऑन, आप मुझे कह ही नहीं सकते जिस तरह मैंने निहारी खाई और जिस तरह वो पेड़े वाली लस्सी पी। पता लग जाएगा। अंडर एज ड्राइविंग जो है ना, ये भी हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि एक्सीडेंट्स की वजह है। और घर पे जो लोग होते हैं ना, पेरेंट्स खासतौर पर, उनको चाहिए कि इसको टोटली डिस्करेज करें। हमारे यहाँ जितने लोग कोविड से नहीं मरे उससे ज़्यादा हर साल एक्सीडेंट। आई थिंक इट इज़ अ वेरी सोसाइटल थिंग एज वेल। मतलब घर का बेटा ही बाहर लेके जाएगा, बेशक वो 12 साल का बेटा क्यों ना हो। मेरी बेटी 14 साल की है, तो मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि वो बाहर कदम रख सकती है। मतलब ऑब्वियसली जब तक वो 18 साल की नहीं हो सकती। 15 और 16 की एज में तो उनको US के अंदर भी देयर आर लाइक टू काइंड्स ऑफ लाइसेंस। वो आपको लर्निंग के लिए शुरू कर देते हैं, लेकिन नॉट ऑन मेन स्ट्रीट। हाँ, तो मेरी जो बेटी है बड़ी वाली, उसको मैं ATV चलवाता हूँ। सबसे ज़्यादा डेंजरस मोटरसाइकिल वाले होते हैं। ये आ गया, ये गोगा, यहाँ पे सिविक खड़ी है, ये गोगा है। कहाँ है ये? राइट पे गोगा लिखा हुआ है। उर्दू पढ़नी आती है? उर्दू भाई, ए था मेरा उर्दू में। अच्छा, ये रहा। उर्दू में भी ए ही था? हाँ। तो फिर अंग्रेजी आया ना उर्दू में भी ए आया? देखिए मेरी बात सुनिए, खिज्जू का ई था। ई वो ई इसलिए था कि उसे कह रहे थे कि आप बहुत इंग्लिश हैं, उर्दू में तो अलिफ होती है। ये मैंने फ्रांसा वाला जोक मारा। नहीं भाई, ये जो इस बात के लिए मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी। ओए, मुझे जगह मेरा हेलमेट पे स्क्रैचेस आएंगे ना, मेरा इतना प्यारा हेलमेट है सुन भाई। हेलमेट पे स्क्रैचेस आएंगे? हेलमेट स्क्रैचेस के लिए होता है। ये लेकिन आपकी टीम वाले आ जाते हैं, खाते कूते तो कुछ है नहीं। मतलब फिर ये हारने के लिए आए हैं मुझसे? इसकी वजह से अभी प्लान चेंज हुई, तो कि पायों पे लेके जा रहा था, आया नहीं, उठा नहीं था। हाय, वैसे पाए भी खाए जा सकते हैं चने में। अगली बार चना जो है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो जी, आए बाली मियां। अस्सलामुअलैकुम यार, ये लास्ट टाइम से चेंज हो गया है, तो बड़ा चेंज हो गया है। नो जैज कैश लिख दिया अगले ने, काफी कोई लिख दिया है। ये नए पत्थर भी लग गए हैं, बट तो सीन है पूरा सुनिए भाई। आज अब होगा मुकाबला। ओए ओए, यहां से मेरा स्कूल नजर आ रहा है। कौन सा? DPS एक ही स्कूल है पूरे लाहौर में जो कि इंसानों वाला स्कूल है, बाकी सारे मम्मी डैडी। अच्छा, एक भाई जहां गए वो सुनिए भाई ने जो, अच्छा इसके नीचे वोटिंग करा लेना, जो करते हैं वही सही है, बाकी सारे पागल है दुनिया में भाई। एक तो पहली बात, फुल टैगलाइन ऐसा, आप कभी अग्री करते हैं हम में से किसी के साथ? सर, नो स्मोकिंग प्लेस प्लीज यार। ब्रदर शाह जी, ऑर्डर करें क्या? ऑर्डर करें भाई, आ जाए कोई। अच्छा जी, ऑर्डर उर्दू पढ़नी आती है? जी जी आती है। उर्दू में भी ए आया था, मतलब उर्दू में भी अंग्रेजी आई थी। चने हाफ, वो सिंगल कोफ्ता चने है। मैं कोफ्ता चने खाऊंगी सबसे ऊपर, अंडा वाला भी। यार मेरे लिए तो आप सादा चने हाफ कर दें। चल दो जी। हर चीज में जो है ना, पता नहीं उस दिन चम्मच से निहारी खा रहे थे ये, तो अभी भी चम्मच से खाने लगे। क्या मतलब है हेल्दी ईटिंग? कोई नॉन नहीं खा या ये क्या, ये गलत बंदा ले लिया हम लोगों ने हमारी वीडियोस के लिए। मैं बता रही हूँ, ये कोई फूडी वाला सीन नहीं। मैं फूडी के अंदर व्हील्स लेके आ रहा हूँ यार। एमी के अच्छा, सिंगल कोफ्ता चने और सिंगल अंडा चने करें, और आप नान खा रहे हैं। चलो एक प्लेट, उसके अंदर अंडा भी हो, उसी में कोफ्ता, उसी में चना हो। स्पेशल कुलचा कर दें जी, आई लव बट्स, वो ज़्यादा बड़ा था। बस स्पेशल कुलचा कर दें एक, और साथ ये दो चने कर दें, और उर्दू में ये आया था लस्सी। इमरान भाई आप भूखे रहेंगे? जो उनके है ना वो ऑर्डर लेता रखिएगा, बाकी सर नींबू होगा यार? नींबू तो होना चाहिए और रायता भी होना चाहिए और प्याज भी होने चाहिए। रायता होना चाहिए और नींबू होना चाहिए। अचार है? अचार है सर जी, तो फिर अचार भी लाने। अचार कौन खाता चनों के साथ? यार मैं खाती हूँ, तो मसला है किसी को? मैं खाती हूँ, नहीं मसला तो नहीं है। ये नान थोड़ा सा फ्लॉप है, ये नान सही नहीं है। नान होना चाहिए कड़क किस्म का, ये बहुत नहीं, होता नहीं, है कड़क नहीं, पतला होना चाहिए। इसे हमने कहा स्पेशल नान, अभी से कहते सादा नान लिया। हाँ ये वाला कई जगह सादा भी सही होता है। ये देखें घी निकालने का बेहतरीन तरीका भाई, जाने दे ये क्या। इस तरह आप जो नान के साइड पे एक्स्ट्रा आटा है, ये भी फैटनिंग होता है, और घी भी। चम्मच और चमचों दोनों का हमारे मुल्क की हिस्ट्री में बड़ा मुकाम है। इसका क्या मतलब है? वर्ल्ड हिस्ट्री में भी चम्मच कहते हैं चमचागिरी करना। चमचागिरी क्या होती है? चने का है, चने और एक्चुअली वेरी नाइसली मेड फॉर मी। द प्रॉब्लम इज के मुझे थोड़ी सी वो चाहिए होती है, ज़्यादा टेस्ट चाहिए होता है, ज़्यादा खटास चाहिए होती है, दैट इज़ नॉट देयर। वालेकुम, आपका बहुत बड़ा फैन है, आपका हर एक ब्लॉग पे। सद के चने तो बुरे नहीं, ओवर रेटेड नहीं है चने। मैंने आपको पहले कहा चने हर जगह एक जैसे होते हैं, खाने में बड़े होते हैं, बाद में पेट में दर्द करते हैं। दिस नान इज बेटर, डेफिनेटली दिस नान इज वे बेटर।
जिसने सुपर स्पेशल कहा था ना, मैंने नहीं कहा था सुपर स्पेशल, कौन था बोला वो शख्स कौन था गैस करो, कौन बाली? बाली ने दूर से ना वीडियो बनाते हुए खामोशी से इशारा किया था, हाजी साहब के साथ ज्यादती हो गई है। हाजी साहब कौन से वाले? आपके जो थे यूनिवर्सिटी फेलो फरहान साहब बोले ना उनका नाम? नहीं, फरहान साहब के साथ हाजी साहब भी थे। मैं इतनी उसके निहारी के नशे में डूबी हुई यार, हाजी साहब ने कहा कि मेरे रिश्तेदार हैं, हम दोनों कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, आपने भी कहा कि कमाल है। जब हाजी नहीं याद है तो कीर क्या याद आएगा? तो कीर उसने आईडी कार्ड बनाया था, तो कीर का बच्चा वो तुमसे 15 साल बड़ा बच्चा। ये बच्चा अच्छी सेंस में कह रहे, बुरी सेंस में ये भी पता लगता है कि हम हाजी साहब को दिखा भी दें। उसका असल नाम क्या था? उनका नाम है हाजी तौकीर। बस वो तौकीर ठीक है, खुदा का। अभी तो वीडियो देख के भाई साहब सैड होंगे कि मैंने पहचानने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं चड़ी बड़ी से आई हैव नेवर मेट हिम इन माय एंटायर लाइफ। मुझे चेहरा दिखाओ यार, फिर तो उनका कौन सा क्लास फेलो है? फरहान साहब और हाजी क्लास फेलो है वो, ये फरहान साहब है नहीं, वरना हमें ठंडी जुगते सुनने को मिलती। क्या फरहान साहब ने बयान दिया है कि मैं 10 जुगते करता हूँ तो उनमें से 9 अच्छी होती। मैं कहीं खैर ऐसा नहीं होता, वीडियो के नीचे जाके पढ़ ले। ये तो वो शेव वाला डोंगा नहीं देखा ना, शेव वाला जो होता है वैसे बचपन में ताली भी ऐसी होती थी बचपन में। बहुत शुक्रिया सर, बचपन में हमारे घर में ऐसा होता था, इससे बड़ा अच्छा मैं करी। मैं बचपन में शेव करती थी। अचार के नंबर पूरे थे? अचार के नंबर भी पूरे नहीं थे। नहीं थे? नहीं, अचार के नंबर भी पूरे नहीं थे। चने वर प्रिटी एवरेज फॉर मी, दे कुड हैव बीन बेटर। मैंने उसमें कोफ्ता और अंडा अचार सब कुछ डाल के भी खाने की कोशिश की। आपने तो कोशिश की ना कि अपना टेस्ट खुद बनाए। हाँ, लेकिन वो तो भी ना हो सका। नान आर फेल, 100% फेल। निवाला ही नहीं, जब बन रहा तो पॉइंट ही नहीं बनता। मतलब मुझे चम्मच ले लो तो फिर नहीं खाना ना, मैं देसी खाना खाने आई हूँ, मुझे 100% हार्ड फ्यूज करना है, उसमें भी चम्मच के साथ नान, सो वो फेल है। लस्सी इज वेरी 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 एवरेज, हमने लास्ट लस्सी पी है यार वो वाली लस्सी के साथ, तो अब मुकाबला मतलब ऐसे ही है कि आप कहें कि मेरे से मुकाबला आपने मतलब नहीं हो सकता। लेकिन द लास्ट लस्सी वाज रियली गुड, इट वाज रियली गुड। सो इफ यू हैव टू रेट इट ऑन 10 क्या रेट होगा? मैं तो पूरा ओवरऑल ही सब कुछ 4 कर दिया। चलो आई विल एग्री, 4 इज बहुत, आपने ग्रेशियस मार्क्स दिए मुझे। हां भाई 4, इफ आई विल हैव टू कम हियर अगेन आई विल नॉट, इफ समबडी आस्क्स मी कि आना है यहां पे आई विल नॉट। वो दाल खाने का शौक है। लो जी, अगली बारी हम जाएंगे, दाल मिलती है माल रोड के ऊपर। पहले मुझे पाए खिला दें। पाए, उसके बाद दाल मिलती है माल रोड के ऊपर, उसका नाम है बहुत ही आला दाल। उन्होंने ना सिरका प्याज रखा होता है और दाल होती है और रोटी भी दूसरी कमाल। उसका कैरी होम, कैरी होम, कैरी होम, कमाल रेस्टोरेंट है वो। अभी तक उसमें कोई जिद्दत नहीं है दुनिया की। जो पुराने ज़माने के थे अंकल जो काउंटर पर बैठ के, वो स्टाफ भी वो उन्होंने वो पहने होते हैं सफारी सूट्स। आपको वहाँ पे सिरका प्याज मिलता है, दाल मिलती है, चिकन जल फ्रेजी मिलता है और कमाल है यार। मैं बता रहा हूँ, मैं वो गारंटी देता हूँ कि आप उसको 10/10 नहीं तो 9/10 जरूर दें। ये तो आपने वो शाहरुख खान साहब याद करा दी, राम जाने मूवी जब आप पैदा नहीं होते तो हम देखते थे, उसमें वो कहते थे कि कहते हैं सालन का मतलब तो मिर्ची को साथ मिला लो, इसी तरह आपने भी कहा अचार, अचार को साथ मिला अचार, अभी कोई चीज़ रह गई थी मंगाने वाली जो उसका डाल के उसका टेस्ट निकाला था। नींबू होता तो टेस्ट आ सकता था वैसे। मैं अपना खुद नींबू लेकर आया करूंगी। नींबू होता तो टेस्ट आ सकता था। नींबू नहीं होता, नींबू होता है सुनील भाई।